नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पतंग हवा में तेजी से उड़ रही है। वे रोजाना अपनी पतंग में ठुमकी लगा रहे हैं, पतंग अच्छी तरह उड़ रही है। इसके अलावा विजयवर्गीय ने सांसद राकेश सिंह से हुई मुलाकात को लेकर कहा कि उनकी पारिवारिक और राजनीतिक चर्चा हुई है, ऐसी चर्चाओं का उपयोग वक्त आने पर किया जाता है। साथ ही विजयवर्गीय ने इंदौर के वकीलों की अजान बंद कराए जाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय इस मामले में पहले भी फैसला दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन निर्देशों का पालन नहीं करवा पा रहा है। एक धर्म को, सामने वालों को, दूसरे धर्म की भावनाओं को भी समझना चाहिए। विजयवर्गीय ने उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकमेंसी है उनके टिकट काटे जाएंगे। जिन विधायकों को पता चल चुका है कि उनके टिकट कटने वाले हैं तो वे सभी भाग रहे हैं, जिनका पार्टी पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे इटली की महारानी के निशाने पर विवादित बयान देते हैं, जो चिंताजनक है। ऐसा है कि पिछली बार हमारे बहुत सारे विधायक थे, बड़ी संख्या में, मतलब लगभग 325 हमारे विधायक थे। अब सभी विधायकों को तो टिकट देना संभव नहीं है। जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उनको टिकट कटेंगे ही, जिनके टिकट कटेंगे वो भाग रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी में टिकट मिल जाए। तो इसलिए ये कोई खास बात नहीं, इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत में कोई कमी नहीं होगी, क्यों जो हारने ही वाले हैं वो अगर छोड़ भी दे पार्टी तो पार्टी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए इसको आप इसमें बिल्कुल मत लीजिए। जिनकी जानकारी मिल गई जिनको कि हाँ उनका टिकट कटने वाले हैं वो जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी का। आरोप लगाया है उसका, क्या है पाकिस्तानी राजनेता सिंह का नाम लेते हुए कि उन्होंने अलग अलग समय पर 30 करोड़ उनसे दिए देश के अलग अलग गुटों को बटाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत चिंताजनक इन्फॉर्मेशन है। और दिग्विजय सिंह जी ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को शांति दूत कहा था जिसके आज जो कि आज मोस्ट वांटेड, जिसके ऊपर विदेशों से धन लाकर धर्मांतरण के आरोप हैं, प्लस आतंकवादियों के उसके संबंध हैं, उनके मंच पे जाकर उन्होंने शांति दूत कहा था। तो एक इतना बड़ा नेता यदि ऐसी गलती करता है एक बार नहीं बार बार, तो ऐसा लगता है कि ये भूल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इटली की महारानी के निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कभी आरएसएस को दीमक बोलते हैं, दीमक तो ये हैं जो देश की चिंता नहीं करते हैं। दीमक तो कांग्रेस है जिन्होंने देश को खोखला किया। राकेश सिंह जी हमारे मित्र हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे और पारिवारिक माहौल में हमने वहाँ पर चर्चा की है, पर जो भी चर्चा हो चाहे पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक हो उसका उपयोग तो वक्त पे किया जाता है ना। प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बार कोई असर दिखाएंगी आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, बंगाल जैसे परिणाम आएंगे, बहुत ताकत से वहाँ पर लड़ रही हैं प्रियंका जी। बंगाल में जो कांग्रेस की स्थिति थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी। इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई है और ऐसा है कि पहले आदेश भी दे चुका मुझे लगा एक दो बार, पर शायद उसका प्रशासन के द्वारा पालन नहीं हो रहा है। पर ये बात सही है कि ऐसे लोग जो इस परंपरा को मानते, इस धार्मिक परंपरा को मानते, उन लोगों को दूसरों धर्म के भावनाओं का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पहली सियासी तौर पर कितनी ऊंची और जा रही? नहीं, बढ़िया चल रही है उनकी, तो रोज ठुनकी मार रहे हैं, इनकी भी चिंता वाली बात नहीं, पतंग उनकी उड़ रही है, बहुत अच्छी उड़ रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।